एक लड़की जिसकी कोई भी मदद करना नहीं चाहते हैं, जिसे अपने काले रंग की वजह से लोगों की बहुत ताने सहना पड़ी। एक बार तो स्कूल में टीचर ने उसे एक सवाल पूछा तो उसके दोस्तों ने कहा कि मैडम आप किसे पूछ रहे हैं, हमें तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। हर दिन उसे इस तरह की बातें सहना पड़ता था। अगर आप इस लड़की की जगह में होते तो क्या करते? इतना सब कुछ सहने के बाद वही लड़की आगे जाकर 10 साल बाद अमेरिका के मशहूर फैशन मॉडलर क्वीन ऑफ डार्कनेस के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है और सबको हैरान कर देता है। आज हम लोग इनके बारे में जानेंगे, कैसे लोगों की बात इन्हें टूटने नहीं दिया और कैसे ये दुनिया की सबसे काली महिला अमेरिका की मशहूर फैशन मॉडलर बन जाता है। आजकल लोग समझते हैं सुंदर दिखना है मतलब गोरा लगना चाहिए, और अपनी काले रंग को छुपाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करवा रहे हैं, महंगी से महंगी दवाई और क्रीम का यूज कर रहे हैं और कुछ लोग तो सर्जरी भी करा रहे हैं। लेकिन सूडानी मूल की अमेरिकन फैशन मॉडलर न्याकिम गेटवेज का कहना है कि उनको गोरा दिखना पसंद नहीं है। गहरे काले रंग के कारण लोग उन्हें क्वीन ऑफ डार्कनेस कहते हैं। उन्हें अपने डार्क स्किन टोन पर गर्व है। उनको कोई काला कहे तो उन्हें शर्म नहीं आती है। लोगों की तरह अपना त्वचा का ब्लीच कराना जरूरी नहीं समझती। नस्लिया ताने भी खूब झेले लेकिन ना ही अपनी सोच बदली ना ही इरादा। मॉडलिंग की दुनिया में ये काला रंग उनकी खूबसूरती को बयां कर रहा है। और अंत में वो कहते हैं, हमें खूबसूरत लगने के लिए गोरा दिखना जरूरी नहीं है। और आज पूरी दुनिया में टॉप गिने चुने मॉडलर में न्याकिम गेटवेज का नाम भी शुमार है। और इसी अंदाज के लिए सोशल मीडिया में इनके लाखों करोड़ों फैंस हैं। ये थी दुनिया की सबसे काली महिला के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। आपका इनके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।